अच्छी लगती है एंड इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इतने सारे लोगों को बुलाया है उनको सम्मानित करने के लिए, बहुत बहुत एफर्ट गया होगा और मैं अपना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। थैंक यू, आई होप यू ऑल हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू। आप थोड़ा उधर उधर खड़े हो जाए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, हम लोग सभी, आप लोग भी जब कोई आपको सराहता है और अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। मुझे भी भारत सम्मान मिला है, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है, मुझे ये इसकी डिज़ाइन बहुत बहुत अच्छी लगी। इट्स गॉट, इट्स ब्यूटिफुली क्राफ्टेड एंड अच्छा लगा, अच्छी शाम थी, अपने गाने गाए जो सभी को अच्छे लगते हैं, अच्छी शाम थी। हाँ जी, हाँ नहीं, आई थिंक लोग, इंडिया शाइन भी तो कर रहा है, इंडिया कमाल भी तो कर रहा है। मैंने अंदर जो कहानी बताई, हाँ वही कि लास्ट मंथ जब मैं अमेरिका में थी, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडियंस, तो उस परेड के लिए मुझे बुलाया था जहाँ झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, तो सबसे आगे तांगा था जिस पे मुझे बैठना था। तो जब मैं वहाँ जाके बैठी, जो हमारी सामने बसंती थी वो गोरी थी, जो तांगा चला रही थी, और जो घोड़े को चला रहे थे वो एक गोरे थे। तो मुझे लगा हम उनके देश में आके अब तांगे में बैठते हैं और वो तांगा चलाते हैं, और वो एक समय था जहाँ वो हमारे देश में थे और हम उनके लिए तांगा चलाते थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी यू नो ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू फील दैट कि हमने जो है अपना देश वापस ले लिया और हम उनके देश में भी घुस गए हैं, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो भी बहुत अच्छा हुआ, और हेमंत राय साहब और उनकी एंटायर टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ ये कुछ है, आएगा जल्दी तो पता चलेगा। थैंक यू, पिक्चर है, मूवी। थैंक यू। मैं यही कहूँगा कि जो वहाँ मैंने स्टेज पे गाया था, कि श्रेया फाउंडेशन ने हर फैकल्टी को देखा है, परखा है और गरीबों की मदद की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब मुफलिस हैं उनकी अगर मदद करते हैं, विधवाओं के बच्चों को अगर आप परवरिश करते हो और उनको शादी, उनकी शादियां कराते हो, इससे बड़ा नेक काम हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि दिस इज समथिंग वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस मैं जब भी बुलाते हैं मैं चला आता हूँ, ये सेकंड टाइम आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। लोगों का है टीवी कलाकार हो चाहे बड़े पर्दे के कलाकार हो, उसमें कोई भी ये सिलेक्शन हमारी टीम करती है, उसके हिसाब से लोगों को इनवाइट करके बुला करके उनको दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि जो लोग बैठ जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बैठना पहले तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको जान दिया हुआ है, नीचे आप आए हुए हैं धरती पे, तो रास्ता भी बनाया हुआ है हर परेशानियों का हल का। परेशानियाँ आती हैं वो आपको एक सबक देने के लिए, वो सबक देती है, उस सबक को सीख करके आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठ गए तो वही आपका आखिरी सबक होगा, आदमी मरते दम तक सबक सीखता है। तो श्रेया फाउंडेशन का है कि कभी भी परेशानी से बैठना नहीं चाहिए, और यही रीज़न है कि इस कंपनी को जब हमने श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा किया था, उसी समय श्रेया फाउंडेशन की नींव रखी गई थी 2020 में, और इसी पर्पज़ से रखा गया था क्योंकि हम भी एक
छोटे तबके से है हमारी भी, कभी हमने 2013-14 में 5,000 की नौकरी की है, 2020 में बहुत ख़त्म हुआ है, फिर से धर यानी ज़मीन पे आ गए, फिर 2020 के जनवरी से ये कंपनी खड़ी हुई है और 10 लाख से खड़ी हुई कंपनी आज है, सिर्फ 10 लाख से। अगर वहीं हार मान गए होते तो मैं वहीं हम रह जाते, तो हार नहीं मानना चाहिए।